आप सभी को जोहार। देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि आज हाईकोर्ट में श्री भास्कर के केस में क्या हुआ। आप जानते होंगे कि हाईकोर्ट हैज इनहेरेंट पावर, कुड सी बियॉन्ड आवर नजर। जहां तक हमारा आई साइट जाता है जुडिशियरी के जुरिस्प्रूडेंस में या जुडिशियल जुडिशियल व्यू में, उससे ज्यादा हाईकोर्ट का नजर है। देखिए, जरूरी नहीं है कि मेरा अनुमान सही हो, परंतु उपलब्ध जो साक्ष्य है या उठाए गए जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष पहुंचते हैं। आज देखिए, करीब करीब श्री भास्कर केस में 3 बजे से 4:05, मतलब ऐसे कहें कि 65 से 70 मिनट जेपीएससी स्टेट की ओर से बहस चला। आप सोच रहे होंगे कि इतने देर तक होता क्या है। देखिए, एक्चुअली में होता यह है कि अपेक्स कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके विभिन्न मुकदमों में और इस प्रकार के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों निर्णयों पर चर्चा होती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो शीर्ष न्यायालय है उसका जो निर्णय होता है, वो रूल होता है, उसको रिलाय किया जाता है, उसको साइट किया जाता है। और हम जो भी ओपिनियन देने वाले हैं, जरूरी नहीं कि आप उससे एग्री करें। अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, आज 4 जुलाई है, सुनवाई हुआ। देखिए, पता होगा कि क्या श्री भास्कर ने सहायक अभियंता पद के पीटी रिजल्ट को चुनौती देने में बहुत देर कर दिया। फैसले की तारीख तय हो गई, सारा दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई कम्प्लीट हो गया और कुछ फैक्ट्स जो सपोर्ट में है श्री भास्कर के केस के और फैक्ट उनके खिलाफ क्या है हमारे नज़र में, और वे फॉरवर्ड आगे क्या होने वाला है। फैसले की तारीख तय हो गई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आने वाला जो 14 जुलाई है, उस दिन इस मुकदमे की फैसला हो जाएगा। जैसे अभी आपने रिहंस राज उन्नाव के केस का फैसला देखा था। उसके बाद देखिए, मामला क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा। पीटी रिजल्ट में कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करने को चुनौती दिया गया था। मेन कंटेंशन ये था कि 256 अभ्यर्थियों को अनारक्षित में शामिल किया गया है और कोटी वाइज परिणाम जारी किया गया है, जो नियम के विज्ञापन रूल का उल्लंघन करता है। बाद में क्या हुआ कि 16 को एप्लीकेशन दिया, 22 को ऑर्डर हो गया। कुछ इंटरवेनर जो सफल अभ्यर्थी थे, वो हस्तक्षेप याचिका दायर किए कि हमारी भी सुना जाए, जैसे कैविएट दायर किया जाता है पहले, बाद में हस्तक्षेप, तो इनका भी पक्ष सुना जाए। उसके बाद जेपीएससी क्या कर दिया कि जेपीएससी शपथ पत्र दाखिल करके बोल दिया कि मैंने पीटी में आरक्षण दिया है। उसके बाद दोबारा जेपीएससी एफिडेविट दायर किया, देखिए 7 तारीख को, फिर यू टर्न दे दिया, बोला कि हमको यू टर्न लेने का आवेदन, पहले परमिशन मांगा 7 को और 10 जून को यू टर्न ले लिया। फिर 13 को श्री भास्कर एवं अन्य की तरफ से ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया कि ऐसा नहीं। देखिए, जेपीएससी बार बार यही जवाब पे अटका है कि मैंने कोई आरक्षण नहीं दिया और विज्ञापन के अनुरूप रिजल्ट जारी किया गया। देखिए, जेपीएससी का मेन ये आके रुकता है जो परीक्षा का स्वरूप है, क्लाउज 11 में आप देख रहे हैं जो सब क्लाउज उसका 4 है, मुख्य परीक्षा हेतु कोटि बार रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बस यहीं पे आके ये अटक जाते हैं कि हम रिजल्ट कोटि बार दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पीटी में आरक्षण दिया। अब देखिए, जेपीएससी का स्टैंड, फिर बाद में ये कोर्ट में शपथ दे के बोला हमें परमिशन दीजिए कि स्टैंड बदलें। फिर बाद में देखिए, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट बोलता है कि ठीक है स्टैंड बदल लीजिए, क्या होगा कि पहले एडमिट कर लेगा कि हाँ हमने गलती की, बाद में उससे मुखर जाएगा। तो ये परंपरा अच्छा नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोर्ट वहाँ पे बैठा हुआ है, जजेस बैठे हैं, वो जो फाइल ऐसा एफिडेविट करता है उसका इंटेंशन, उसका पर्पस देखते हैं कि जो बोल रहा है इनके सपोर्ट में कुछ ऐसा फैक्ट है या फिर झूठ बोलने के लिए या सच छुपाने के लिए इस तरह का कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट वहाँ पे देखना है। लेकिन अभी इतना सुनवाई होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि जो जेपीएससी मॉडिफिकेशन एफिडेविट दिया कि हम संशोधन करना चाहते हैं अपने जो पूर्व का जो एफिडेविट दिए थे कि हम पीटी में आरक्षण दिए हैं, हम एक्चुअली में आरक्षण नहीं दिए, शायद इस बात को कोर्ट मान लिया। अब देखिए, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अब देखिए, मूट पॉइंट बस आरक्षण पे ही आके अटक जाता है कि अगर अनारक्षित श्रेणी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है, क्या यह आरक्षण है? आप ऐसे समझिए, सिविल जेपीएससी में क्या ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लड़के जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा मार्क्स भी लाए,
कुछ लोग उससे इक्वल लाए, तो जेपीएससी वहाँ पे कंपेल कि हम इसमें आरक्षण कैसे करें, क्योंकि पीटी में आरक्षण नहीं है। तो जेपीएससी ने क्या किया कि जिन लोगों ने अनरिजर्व कैटेगरी के लड़के के बराबर या उससे ऊपर मार्क्स लाया, सबको ओपन कैटेगरी में शामिल कर लिया। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि जिनका अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स बराबर या ऊपर है वो अनारक्षित कैटेगरी में ही आते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ, और वो रिजर्वेशन शायद हमारे नज़र से बिल्कुल वो रिजर्वेशन में नहीं आता। अब देखिए क्या क्या सपोर्ट में फैक्ट आता है श्री भास्कर। आप ये समझ लीजिए कि ये जो 226 आर्टिकल का इन्वोक किए इन्होंने, प्रयोग करके रिट किया है, तो इसके लिए स्वतंत्र है। कोई भी भारत का नागरिक विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट वो रिट कर सकते हैं, उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। श्री भास्कर ने भी किया, इनके साथ अन्य लोग भी हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा है, पहली बार जब जेपीएससी ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके, शपथ दाखिल करके एडमिट किया कि मैंने पीटी में आरक्षण दिया, तो लगा कि चलिए पाला बदल जाएगा, केस में नया मोड़ आ गया। अब केस हो सकता है कि मुख्य परीक्षा कैंसिल जो पहले हुआ उसको रद्द कर दिया जाए, फिर से मुख्य परीक्षा होगा। बिल्कुल समीकरण उस समय का बिल्कुल अलग। अब जब दोबारा जब जेपीएससी ने अपना स्टैंड बदल दिया, तो अब फिर खेला पुनर्मुसिको भव। आप समझ सकते हैं कि जिस जहां से बात शुरू हुई थी फिर बात वहीं आ गई। तो देखिए क्या क्या भास्कर के अगेंस्ट में है कि देखिए सबसे पहले है कि कोर्ट उनके इंटेंशन को देखता है। जैसे जो ये जानते होंगे कि लॉ का पहला सिद्धांत, दोज सीकिंग इक्विटी मस्ट अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको साफ सुथरा एकदम तरीके से आना चाहिए, आपका कोई इंटेंशन पर्पस बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखते हैं जो केस फाइल करने के पहले हुआ। देखिए पीटी का रिजल्ट 14/8/20 को पब्लिश हो गया और मुख्य परीक्षा 22-24 अक्टूबर 2021 को एई का सहायक अभियंता का कंडक्ट हो गया। अगर श्री भास्कर को ऐसा लगता कि पीटी का रिजल्ट में आरक्षण दिया या पीटी का रिजल्ट बिल्कुल गलत है या उसमें बेमानी हुआ, बार्गलिंग हुआ, जो भी आप कह लें, तो वो इमिडिएटली चैलेंज कर देते पीटी के रिजल्ट को। जैसे मान लीजिए कि 14/8 को रिजल्ट हुआ 14 अगस्त 2020, तो 2020 अगस्त में नहीं किए तो सितंबर में कर देते, सितंबर तो अक्टूबर नहीं दिसंबर। मतलब कहने का मतलब कि 2020 या फिर यूं कहें कि मुख्य परीक्षा के पहले भी कर देते। मुख्य परीक्षा देखिए 22-24 अक्टूबर 2021 को हुआ, उसके पहले भी उन्हें करने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। इसी बीच में 7 जेपीएससी संबंधी जानते हैं, कुमार सन्यम का केस 15 फरवरी 2022 को डिसाइड हो गया कि पीटी में आरक्षण देना गलत था, जैसा कि 7 जेपीएससी में दिया गया था। तब जाके श्री भास्कर एवं अन्य लोग हैं, तो हो सकता है उन्हें इस समय अच्छा ना लग रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई रिजर्वेशन पीटी में इसमें एक एग्जाम में भी दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि 4 मार्च 2022 को, देखिये 4/3/2022 उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया। इसका मतलब है कि भास्कर ने कुमार सन्यम के केस के डिसीजन के बाद रिट दाखिल किया, मतलब ये बिल्कुल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है। वो नेचुरली इंक्लाइंड नहीं थे इसके प्रति, जैसे ही पीटी का रिजल्ट हुआ वो एग्रीव्ड हो गए, उन्होंने केस फाइल कर दिया, रिट फाइल कर दिया कि आपने आरक्षण। उन्होंने वेट किया 2022। आप ये कह सकते हैं कि इनऑर्डिनेट डिले हुआ है केस फाइल करने में, श्री भास्कर हैं उनके द्वारा पीटी के रिजल्ट चैलेंज करने में। हम ऐसा देख सकते हैं कि करीब 15 महीने, पीटी का रिजल्ट आने के 15 महीने बाद, जब मुख्य परीक्षा भी हो गया, कुमार सन्यम का केस का डिसीजन आ गया, उसके बाद भी समझिए कि करीब 20-22 दिन बीत गया, तब इन्होंने रिट दाखिल किया। ये चीज हमारे समझ से इनके अगेंस्ट जाता है। अब देखिए आगे क्या होना है। हमारे समझ से ऐसे मानिए कि ये शायद लास्ट केस है जिसमें डिस्प्यूट किया जा रहा है एई एग्जाम को, जो महत्वपूर्ण केस है उसके बारे में। ये 14 जुलाई तक ये बिल्कुल क्लियर होगा। और क्योंकि देखिए जो डिस्कशन हम आपके सामने अभी कर रहे हैं, इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है, आप हमारे ओपिनियन से वैरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अदर कैटेगरीज इन पीटी रिजल्ट इज नॉट रिजर्वेशन। देखिए हमारे हिसाब से पीटी में अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट से बराबर या मोर देन, अनरिजर्व कैटेगरी के जो लड़के हैं उसके बराबर या मोर देन लाए हैं रिजर्व कैटेगरी वाले मार्क्स पीटी में, तो उनको ट्रीट किया जाता है कि
कि वो ओपन कैटेगरी है, उसमें हर कोई अभी जो रूल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में उसके हिसाब से। और दूसरा जो चीज है कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि श्री भास्कर एवं अन्य ने जो 15 महीने की देरी से केस, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भास्कर यजो कुमार सन्यम के केस के आने के बाद किया, इसका मतलब उन्होंने सोचा समझा। देखिए थॉटफोर एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप खुद समझ रहे होंगे कि ये ऐसा किया, ऐसा नहीं था कि नेचुरली श्री भास्कर एवं एग्रीव्ड हो गए, उन्होंने केस दर्ज कर दिया कि पीटी में आप आरक्षण क्यों दिए। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कंसिक्वेंट अपॉन द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट इन श्री कुमार सन्यम केस ही हैज फाइल्ड रिट पिटीशन, इसका मतलब है इट इज अ थॉटफुल केस। अब देखिए डिसीजन तो कोर्ट को करना है, हमें जो समझ में आया मैंने आपके सामने रख लिया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, फ्रेश रोप डिस्प्यूट शुरू हो सकता है। कैसे होगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी होंगे वो डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं, आपको पता होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जितने ऑब्जेक्शंस रिट पिटिशनर के द्वारा, श्री भास्कर एवं मान्य के द्वारा उठाया गया था, जितने ऑब्जेक्शंस, सारा का जवाब करीब करीब अखबारों में, जेपीएससी के एफिडेविट में, या हमें ऐसा प्रतीत होता है, आप इससे एग्री करें ना करें ये आपकी मर्जी, इंडिवर फॉर यू। आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।